हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज यहाँ पे जो है सो हम आपको बताने वाले हैं मैट्रिक और इंटर की संभावित परीक्षा की तिथि, और इस पे जो है सो जैक के द्वारा यहाँ पे मुहर भी जो है सो इस पे लगा दिया गया है। ठीक है, संभावित तिथि जो है सो इससे पहले भी आपको हम जो है सो एक वीडियो बनाए थे, उसमें जो है सो आपको हम बता चुके हैं तो क्या जो है सो संभावित तिथि आपका होने वाला है। ठीक है, तो सेम जो है सो वही जो है सो यहाँ पे डेट पे जो है सो जैक के द्वारा मुहर लगा दिया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है सो यहाँ पे आपका डेट हुआ है, बाकी बात देखें तो यहाँ पे जो डेट हम वहाँ पे बताए हुए थे वही डेट जो है सो यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा। तो देखिएगा क्या न्यूज निकल के आया है, और ये जो न्यूज निकाला गया है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो है सो इसको निकाला गया है। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बोर्ड की बैठक में जो है सो 11 फरवरी 2020 से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि पर अपनी अंतिम सहमति जो है सो दे दी है। ठीक है, अंतिम सहमति जो है सो जैक के द्वारा यहाँ पे दे दिया गया है, और मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पे 25 फरवरी तक चलेगा और इंटर की परीक्षा यहाँ पे 2 मार्च तक चलेगा। ठीक है, 11 फरवरी से शुरू होकर के मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पे जो है सो आपका 25 फरवरी तक चलने वाला है, और वहाँ हम अगर इंटर की परीक्षा की बात करते हैं तो ये आपका 11 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक जो है सो ये चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कक्षा 8वीं और 9वीं की, तो यहाँ पे जो है सो इसका जो परीक्षा होने वाला है ये आपका जनवरी में जो है सो इसको आयोजित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए 12 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच जो है सो ये ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट जो है सो किया जाएगा या भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे एक बात देख लेते हैं, ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो है सो आपको भरना है 12 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में जो है सो ये आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, और ये जो है सो मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए जो है सो ये फॉर्म जो है सो भरना आवश्यक है। ठीक है, जैक ने इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है, परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर सभी जिला को जो है सो दिशा निर्देश यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे केंद्र निर्धारण का, तो यहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा के लिए जो है सो केंद्र यहाँ पे प्रखंड स्तर पर जो है सो बनाया जाएगा, और इंटर की परीक्षा के लिए जो है सो केंद्र आपका यहाँ पे अनुमंडल स्तर पे जो है सो इसको बनाया जाएगा। ठीक है, दोनों परीक्षाएं यहाँ पे जो है सो आपका सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा, और यहाँ पे परीक्षा के साथ साथ कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी भी जो है सो की जा रही है। यहाँ पे जैक बोर्ड के द्वारा जो है सो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इसका मूल्यांकन का तैयारी भी जो है सो किया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे न्यूज निकल के आया है जैक बोर्ड की तरफ से कि 6 नए वोकेशनल कोर्स जो है सो शामिल यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, 9वीं और 11वीं के लिए जो है सो 2020 से 6 नए वोकेशनल विषयों की परीक्षा होगी। इन विषयों में कृषि परिधान, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी और मल्टीटास्किंग शामिल है। इन विषयों के साथ 9वीं व 11वीं के छात्रों का निबंधन कराने जा रही है। ठीक है, और इस विषय पर काउंसिल ने अपनी स्वीकृति जो है सो दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो 6 नए वोकेशनल कोर्स जो है सो शामिल किया गया है, और ये आपका 9वीं और 11वीं के लिए 2020 से जो है सो यहाँ पे ये विषय वोकेशनल कोर्स को जो है सो यहाँ पे शामिल किया जाएगा। काफ़ी जो है सो इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा न्यूज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप जो है सो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि यहाँ पे जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए एक जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रैश कोर्स जो है सो हम लेकर के आ रहे हैं 14 अक्टूबर से, तो उसको देखना आप नहीं भूलेंगे, और आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। एक बार जो है सो आप 14 अक्टूबर से क्लास जब शुरू होता है तो वहाँ आकर के क्लास आप देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके जो है सो इसको नहीं रखे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।